दोस्तों इंग्लिश से जुड़े कुछ वर्ड जो इस प्रकार हैं, डू नॉट टेक इट ए जॉक, दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है इसे मजाक में नहीं ला। दोस्तों कुछ ऐसी बातें जो कि आप मजाक में नहीं ले, जैसे कि दोस्तों सरकार या कोई अनाउंसमेंट करती है तो दोस्तों उसे सीरियस में ले। दोस्तों नेक्स्ट है नॉट ए बिट, दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है थोड़ा सा भी नहीं। दोस्तों कुछ ऐसी प्रोडक्ट या कोई खाने का सामान आप उसमें से थोड़ा सा भी शेयर करना नहीं पसंद करते हैं तो दोस्तों वहाँ हम नॉट ए बिट का यूज करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट है आई रियली अप्रिशिएट यू, दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है मैं वास्तव में आपकी सराहना करता हूँ। दोस्तों जब भी आप समाज के प्रति अच्छे काम करते हैं तो दोस्तों समाज के हर व्यक्ति आपको अच्छे काम की सराहना करता है, तो दोस्तों वहाँ हम आई रियली अप्रिशिएट यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ सेम, दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है समृद्धि का ख्याल रखना। दोस्तों कुछ ऐसे काम मत कर देना कि जिससे कि आपके पेरेंट्स या फ्रेंड को समृद्धि का हो सके। दोस्तों नेक्स्ट है हाउ डू यू फील टूडे, दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है तुम्हें आज कैसा लग रहा है। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति जब वो बीमार रहता है तो दोस्तों जब वो बीमार होकर ठीक होता है तो दोस्तों आप उसे पूछते हैं कि तुम्हें आज कैसा लग रहा है। दोस्तों नेक्स्ट है आई विश यू वेयर मैन, दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है काश कि तुम मेरी होती। दोस्तों यह एक कपल के द्वारा यूज किए जाने वाला एक सेंटेंस होता है जिसका मतलब होता है कि काश तुम मेरी होती। तो दोस्तों आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।